मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्त्वज्ञानम्। 29वां सूत्र और 30वां सूत्र भी हमने कल पूरा किया था। 31वें सूत्र की तरफ बढ़ना है। देशव्रत के अतिचारों पर चर्चा चलेगी। ये दिग्व्रत देशव्रत आदि का विस्तार में क्या स्वरूप है, वह रत्नकरण सावकाचार 6 ढाला में मैंने उसको लिया है। यहाँ पर मात्र अतिचारों की अभी चर्चा होनी है। देखते हैं ये 5 अतिचार क्या कहते हैं देशव्रत के। आनयन, हालांकि ये 5 अतिचार दिग्व्रत में भी लागू हो सकते हैं, और दिग्व्रत के जो अतिचार है वे सब देशव्रत में भी लागू हो सकते हैं। चूंकि 2 व्रत अलग अलग नाम से बने हैं तो उनके अलग अलग अतिचार गिनाने के रूप में गिन रहे हैं। बाद बाकी कोई ऐसी खास तर्क शक्ति नहीं है जिसको लेकर कि इन कारणों से दिग्व्रत के ये अतिचार कहे और इन कारणों से देशव्रत के ये अतिचार कहे। देखते हैं क्या 5 अतिचार है। आनयन, मुझे दिया किसी ने रत्नकरण साहब का चार। आनयन 1, प्रेष्य प्रयोग 2, शब्द अनुपात 3, रूप अनुपात 4। अनुपात दोनों जगह लागू होगा। और पुद्गल क्षेपा, एक एक को देखते हैं। आनयन, आनयन मतलब मर्यादा जिस स्थान तक हमने की थी उसको लांग कर बियॉन्ड द लिमिट बाहर से किसी से कोई सामग्री मंगाना। आनयन कि मेरे लिए ये चीज लेके आओ, क्यों मुझे नहीं जाना है ना वहां पर, मैं तो नहीं जा सकता बाहर, तुम बाहर जाओ और मेरे लिए लेके आओ, इसे कहते हैं आनयन। तो एक प्रकार से यूं कहो वो कारित और अनुमोदन के रूप में अतिचार कर रहा है, कर करके नहीं कर रहा है, पकड़ रहे ना। समझने लायक बात इसमें यह है, जो जो भी लोग ऐसा कहते हैं कोई स्पेशली हमारे लिए तो गाड़ी आ नहीं जा नहीं रही है, ये प्लेन उड़ रहा है, तो आज व्रती त्यागी लोग भी उसमें बैठने लग गए हैं। श्वेतंबर लोग के साधु साध्विया ये विदेशों में तक जाती है प्लेन में, और फिर ये तर्क है उन लोगों के पास कि इरिया समिति का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता, इरिया समिति से भी ज्यादा पालन होता है हमारा, पैर ही नहीं रखते हम, एक प्रकार से चरण वृद्धि जैसा सटासट कहते, और कौन हमारे लिए उड़ रहे हो। 28 मूल गुणों का पालन तो इसलिए बताया था, उस जमाने में विमान विमान नहीं था, ऐसा वे लोग कहते हैं। तो उन लोगों को समझना चाहिए कि आनयन किसी से कोई चीज मंगाना तो ये सब प्रकार का आरंभ हमारे माथे आएगा पूरा। देखो मुनियों की तो थोड़ी बात अलग ही है, मुनि अर्जिकाओं की, श्रावक के अतिचार चल रहे वैसे ही। परवल 2 प्रकार की आती है, परवल की सब्जियां 2 प्रकार की आती है, एक छोटी आपने परवल सबने देखी होगी। हमारे वहां एक खन्यादान नहीं, कोई बात नहीं है, 2 जहां पर मेरा रहने का है ना अकलूज महाराष्ट्र में, वहां पर 2 माताजियां वही वही भ्रमण करती रहती है, तो वे परवल लेती है दूसरे प्रकार का, तो उनके लिए पूरा परवल
तो वैसे दीदी आई थी वहां पर, तब की बात है, और मैं बिल्कुल नया था धर्म मार्ग में। तो दीदी आई थी तब, ये होगी 12 साल पहले की बात होनी चाहिए, 12 होगी 13 होगी। तो तब दीदी के पास भी थोड़ा बैठता था रोज, और यहाँ पर भी रोज थोड़ा सा जाता था। तो शास्त्र सभा में, फिर सभा के उपरांत उन लोगों ने मुझे कहा कि आप लोग वहाँ पर जाते हैं, आप बहन जी के पास। मैंने कहा बहन को थोड़ा सा इतना पूछ लेना, क्योंकि वे लोग नहीं जाते आते थे उनके पास, कुछ किसी कारण से नहीं जमती थी उनको बात दीदी की, क्योंकि दीदी का तो पहले वहाँ पर प्रवचन ही होता था, लेकिन स्पष्ट वक्तृत्व दीदी का उनको अखर जाता था। जैसे दीदी सीधी चोट करती थी देवशास्त्र गुरु की विपरीत मान्यता के रूप में, तो वे विपरीत मान्यता लिए हुए है। वैसे बात यह हुई थी कि एक मुनि महाराज का फोटो था छोटा, और उसके ऊपर शुल्लिका जी का उससे तिगुना बड़ा फोटो था। तो दीदी ने बस इतना का बोला था प्रवचन में, क्लास में, कि ये आपकी कौन सी लॉजिक है कि शुल्लिका की तो बड़ी फोटो और ऊपर, और मुनि की छोटी और नीचे, ये क्या तुक है? आप समझ रहे? अब इसमें तो हाथ ही नहीं डालना हमको, किसमें कि मुनि का क्या ठिकाना है और अर्जी का क्या ठिकाना है। तो इस बात को लेकर कुछ हुई थी उनकी, फिर उन्होंने कहा नहीं हमारी तो आस्था है, ऐसा है वैसा है, फिर वो लेकर फिर दीदी के फिर वहां पर कभी प्रवचन नहीं हुए थे। तो अभी 2-4 साल के बाद फिर से दीदी आई थी अकलुज, हालांकि लेकिन उन लोगों को पता होते हुए भी उन्होंने आमंत्रित नहीं किया, लेकिन वे जानते थे ये बहुत बड़े ज्ञान का कोष है, इनको कुछ भी पूछा जाए ये खाली हाथ अनुत्तरित वो प्रश्न नहीं रह सकता, किसी भी अनुयोग संबंधी हो। तो उन्होंने मेरे से पूछवाया कि ये प्रबल लंबी वाली आती है वो भक्ष्य है कि अभक्ष्य, इतना पूछो बस। तो मैं दोपहर में जाता था, तो मैंने पूछा उनको दीदी को कि वे पूछ रहे थे, मैंने कहा ये परवल भक्ष्य है क्या अभक्ष्य है? तो दीदी ने मुझे कहा सीधा हा ना के रूप में न कहकर, बोले तुम जानते हो? मैंने कहा क्या? बोले जो जो भी अर्जी का मुनि के उद्देश्य से आता है वो सब अभक्ष्य ही होता है। ये एकदम मार्मिक चोट है, ये कुछ पकड़ रहे आप? मैंने कहा मतलब? बोले ये जिस बात करते हैं ना जिस परवल की, ये परवल तो यहां मिलती नहीं, ये परवल आती है पूना से स्पेशली, ये पूना से परवल आएगी और स्वास्थ्य के लिए अच्छी रहती है तो स्पेशली इनके लिए आती वो परवल 160 किलोमीटर से। हफ्ते में एक हद कोई जाता होगा, जाते आते तो रहते ही है लोग, तो कोई जाता होगा वो समाज को वो लेके आता है, फिर उसको फ्रीज करते हैं और फिर उसके बल पर उसको 5-6 दिन टिका लेते हैं नहीं आने तक। बोले उनके उद्देश्य से आया वाला भक्ष्य भी यदि वो होती सामग्री तब भी है तो वो अभक्ष, उद्दिष्ट त्याग वाले है ना ये, तो उद्देश्य तो हो ही गया ना, उद्देश्य उनके उद्देश्य से मंगाया गया ना, बात एक। सेकंड बात, उसको फ्रोजन किया ना, कोई भी चीज उसको फ्रीज में रखी जाए तो वैसे ही वो अभक्ष्य हो जाती है। ऋतु विरुद्ध नाम का 46 दोष में दोष पड़ता है, प्रकृति के प्रकृति भी उसको स्वीकार नहीं करती। फ्रीज बनाम बीमारियों का घर, मैंने आपको बताया होगा थोड़े टाइम पहले, एक मेनका गांधी का एक सन्मति संदेश में 40 साल पहले का आर्टिकल छप कर आया था, अभी अभी मुझे देखने में आया था, फ्रीज बनाम बीमारियों का घर, और उसमें पूरा यह सिद्ध करने का प्रयास किया था हम किस प्रकार रोगमय जीवन में प्रवेश करते जा रहे हैं ये फ्रीज का प्रयोग कर करके। फिर उसमें उन्होंने सिद्ध किया था उसमें कितने लगभग 200 प्रकार की पॉइजनस गैसेस चलती रहती है दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट्स और ईटेबल्स, इसलिए डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं फ्रीज में रखी हुई चीज को भी वैसे ही नहीं खाना, उसको गर्म करके खाना, गर्म करके पीना दूध को,
ये क्यों कहते हैं गर्म करके पीना उसको? और फिर दूध की बात हो गई, बाकी टेबल्स का क्या होगा? उसको तो गर्म ही नहीं कर सकते, जो भी हो, मुझे अभी वो नहीं कहना। मुझे तो इतना ही कहना है, किस बात पर मेरी चर्चा है समकित? आनयन। मुझे तो ये कहना है वैसे, अपने उद्देश्य से आई वाली चीज। वैसे जो श्रावक है दसवीं प्रतिमा तक का, वो तो कोई उद्दिष्ट का त्यागी नहीं है। उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा तो ग्यारहवीं है, लेकिन ऐसा होने पर भी जहां तक मर्यादा की थी, उस मर्यादा के बाहर की चीज किसी ने लाई हो उसको लेना, यह आनयन नाम का अतिचार पड़ता है। देखो, बचने का कोई रास्ता नहीं है। कोई नंबर दो के मार्ग से कोई व्रत को व्रत लेते हुए भी शिथिलता करता रहे, यह बिल्कुल संभव नहीं है। यह आनयन हो गया। मूल में क्या है समस्या, मैं बता रहा हूं आपको। मूल में तो मैं इस बाउंड्री के बाहर नहीं जाऊंगा, बात इतनी सी सीमित नहीं थी। वो मैं बाउंड्री के बाहर का किसी भी प्रकार का कोई विकल्प नहीं करूंगा। भाई, आपको बाउंड्री के बाहर महाव्रति समान बताया है, महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते। दो तीन दफे रत्नकरण शौकाचार में श्रावक की तुलना मुनि से की। एक तो सामयिक में बैठे वाले दिग्व्रत देशव्रत वालों को भी कहा, यह महाव्रत समान है मर्यादा के बाहर, मोफत में है क्या? कह रहे, जानते हो तुम, आनयन के रूप में तुम तो समाचार के रूप में फोन भी नहीं सुन सकते वहां का, तुम चिट्ठी भी नहीं पढ़ सकते वहां की, अखबार तो पढ़ना बहुत दूर की बात है। प्रथम अनुयोग में आने दो, अन्य द्वीपों की बात, वो बात यहां पर नहीं लेना, क्योंकि यहां पर तो प्रयोजन परक वितरकता की सिद्धि होगी। कुछ समझ रहे हैं मेरी बात को? यहां पर तुम्हारा राग पुष्ट हुआ ऐसा कुछ नहीं चलेगा। मर्यादा कर लिए और हमारी लड़की भी आई है वहां पर, संपर्क नहीं कर सकेंगे तुम लोग वहां पर, बिल्कुल नहीं होगा, नहीं। सोच समझ कर मर्यादा निश्चित कर लो, बात भी नहीं होगी। समझ में आता है? बात मर्यादा के बाहर नहीं जाने की कहा है, बात तो उस संबंधी समस्त विकल्पों के त्याग की है। तो हम वहां पर नहीं जाएंगे, हमारी मर्यादा है, हमने 200 किलोमीटर का कर लिया। और विदेश में फोन करोगे चलेगा? वहां का फोन आएगा चलेगा? रिसीव करेंगे तो मर्यादा नहीं टूटेगी क्या? आप समझ रहे? तो ये कहते हैं, बात हमारी वो द्रव्य हिंसा की थोड़ी थी, मोह की थी हमारी, तो उससे बाहर का मोह को सीमित करने की बात थी। तो मोह तो तुमने बरकरार रखा बराबर, फोन तो और समस्या है। फोन की क्या समस्या है? जाके आ कितनी बार सकते हैं? एक आध बार। और फोन दिन में 10 बार टनटना सकता है, एक बार जाके आ सकता है, दूसरी बार हिम्मत तो नहीं ना। और देखो, आज फोन बढ़ गए हैं, जाना आना तो घट गया होगा, लेकिन आकुलता आज बढ़ गई है कि नहीं? आदमी गाड़ी में भी नहीं बैठे 10 फोन हो जाता है। बैठ रहा हो गाड़ी में, पैर रख रहा हो सीट पर, बैठ रहा हो, फिर सब इतना इतना डिटेल्स चलता रहता है। अभी ठीक है, अभी कहाँ तक आए, अभी कहाँ तक आए, अभी तो और, फिर एक एक मिनट मिनट का चलता है, अभी लेट है, अभी यहाँ तक है, वहां तक है। अब समझते हैं मेरी बात को, मैं क्यों कह रहा हूँ इतना सारा आनयन? बाहर से आई हुई चीज कुछ भी नहीं लेना, मर्यादा के बाहर की, जहां तक मर्यादा करी थी, आनयन। अपन थोड़ा सा वैसे ही विचार करें व्यापक दृष्टि से, विदेशी समस्त वस्तुओं का हमारा त्याग होना चाहिए। समझ रहे हैं सर? विदेशी समस्त वस्तुओं का त्याग होना चाहिए, इंपोर्टेड गुड्स। अभी मैं ज्यादा संकेत उसकी तरफ नहीं है, क्योंकि आपका प्रश्न क्या कहां से खड़ा हो सकता है? एक मुनक्का, ऐसी काली किशमिश, स्पेशली अरेबिया से बन के आती है ना वो, अब उसको इसमें नहीं लेंगे इसीलिए, क्योंकि वो तो वहां पर कोई ऐसी कृत्रिमता की बात नहीं है वहां में। क्या क्या बोला मैंने? और जिनको पालन करना हो तो उसका भी पालन करे, वैसी कोई बात नहीं है। अभी विचार करें, पेट्रोल डीजल सब ईरान से ही आ रहा है। अब तुम विदेश के त्यागी हो गए, पेट्रोल तो वहां का आ रहा है, तुम यूज कर रहे हो उसको। व्यापक दृष्टि वाले तो सब फॉलो करे, क्योंकि गाड़ी आदि का प्रयोग करना है, तो ये तो मॉडर्न कल्चर है ये सब। अभी अभी 80-70 साल की देन है। पहले तो ऐसा ये हिंसक सामग्री तो थी भी नहीं थी, और फिर ऐसा कोई ये पेट्रोल डीजल का प्रयोग भी होता नहीं था, ऐसा कुछ। सामान्य गाड़ियां चलती थी, घोड़े चलते थे, तांगा वांगा ये सब चलता रहता था। ठीक है, कहां तक आए? आना है। अब इसलिए अतिचारों में सब जगह यही आ रहा है, अति भार, अति वाहन,
ये सब पुष्पों में ही लागू करना है आपको। तो विदेशों में कहा जाने की ताकत रखता था, वैसे जहाज वगैरह तो होते हो सकते थे, लेकिन ऐसी दूरी पर जमीन की दूरी की अपेक्षा कितना दूर और बढ़ सकता है वो, और विमान की अपेक्षा विचार करें तो फिर विद्याधर हुआ करते थे, फिर ऊपर से और उड़ने की तो दूसरी तो कोई चांस नहीं था। समुद्र में तो जहाज वगैरह तो फिर भी हुआ करते थे, लेकिन ऊपर से उड़ने का तो ऐसा कोई सोर्स नहीं था, और पीछे तो विद्याधर थे फिर तो ठीक है। चौथे काल में रहते हुए चलो कहा तक आए, आनयन, आयु हुई कोई वस्तुओं को ग्रहण नहीं करेंगे। आनयन, प्रेष्य प्रयोग, हम किसी को भेजेंगे नहीं। आनयन, सहज कोई आया हो और उसने लाई हो चीज तो लेंगे नहीं। एक प्रेष्य प्रयोग, हम किसी को भेजेंगे नहीं। दो बातें हो गई, क्यों बहुत जनों को ये लगता है हमने तो भेजा नहीं था, हमने तो भेजा नहीं था, वो तो वही आ गए वही आ गए, ये भी नहीं चलेगा। स्वयं भेजा हुआ तो कहां से चलेगा, लेकिन दोनों अत्याचार इसमें रहे। आप कल्पना कर सकते कितने आचार्यों की सूझबूझ है, ये कैसी पैकिंग है ये। आनयन, प्रेष्य प्रयोग, थर्ड क्या है, रूप, हाँ, शब्दानुपात। शब्दानुपात में फोन वोन सब आएगा, फोन की भी छोड़ो, मैं एकदम स्थूल उदाहरण आपको दू, ये बाउंड्री लाइन है कोई, बाउंड्री लाइन है कोई, और हमने ये नक्की किया कि ये अपनी मंगलायतन की बाउंड्री नक्की करते, मैं मंगलायतन के बाहर जाने का त्याग। तो सुनो अभी ध्यान से, मंगलायतन के बिल्कुल बाहर कैंपस को लगकर, कंपाउंड को लगकर बाहर एक नल खुला चल रहा था, तो हम किसी को ये नहीं बोल सकते शब्द अनुपात, ए भैया वो थोड़ा सा नल बंद कर देना। आपको लगे कितने निर्दयता का मार्ग है, अरे विकल्प समेटना है, जाने दो ना, दुनियादारी निभाने को थोड़ी बैठा है तू यहां पर। शब्दानुपात समझ में आता है, उसके बाहर किसी से शाब्दिक संपर्क भी तुम्हारा नहीं ही होगा, तो तुमने दूसरों को फंसा दिया मोपत में, तुम जाओ तुम उठ के तुम कर लेते। अब समझ रहे हैं, मर्यादा की थी जब तुमने, तो बियॉन्ड दैट शब्द से भी कोई, शब्दानुपात शब्द फेंकना, पात मतलब होता है फेंकना। अब समझ रहे, आयुष नहीं है क्या आज, आयुष नहीं है आज, उनकी एग्जाम होगी। अनुपात सुनो, सॉरी क्या कहने था मुझे, पात होता है ना, पात, पात मतलब पत्ता भी होता है, जानते हैं आप, पीले पीले पात, पात मतलब पत्ता, जब पत्ता गिरता है तो आवाज आती है पत, पतन, पतन। कुछ समझ रहे हैं आप लोग मैं जो कहता हूं, मैं पूरा खोल खोल के नहीं बोल रहा हूं, वो पत्ता गिरा तो उसको कहते पतन, आवाज आती है पत, और उस पत्ते को कहेंगे पतन, और जो गिरना हो उसको कहेंगे पतन। पात मतलब गिरना, मुझे तो इतना बताना है, पाथ मतलब तो पत्ता होता है, तो गिरता है ना पकने के बाद, इसलिए ऐसा वो संधि बनती है उसके ऐसे, ठीक है। ये शाब्दिक अर्थ ऐसे होते हैं सब। सरस्वती, जो सरकती है जीभ से और बाहर निकलती है, सर समझ में आता है, जिनवानी, जिनवानी सरस्वती, सर सर धातु है ना, सरकने के अर्थ में निकलना, गो अहेड, मूव अहेड, ऐसा ये सब शाब्दिक अर्थ अपन देखेंगे तो इसमें छिपे रहते हैं सब। ये पंकज, जलज, सरोज, और बोलो अंबुज, नीरज, अक्षत, शीर्षाघंस कहा है। चलो 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 सुनो सुनो, तो ये चलो आगे बढ़ते हैं। कोई अच्छी चीज ज्ञान में आ रही थी, कमल भी क्यों कहते मालूम आप उसको, कमल कमल क्यों कहते, देखो सुनो सुनो क्या कीचड़, क मतलब पानी, मल मतलब तो कीचड़ है वो, पानी और कीचड़ में जो खड़ा होता है इसलिए उसको कहते कमल। क ये पानी के अर्थ वाला धातु है, तो हमेशा कहता हूं
ये वर्ड वोकैबुलरी ऐसी चलती है पूरी। अभी जो वैयाकरण है वे जानते हैं, अपन तो कुछ नहीं जानते। तो कहां तक आए? शब्द अनुपात, शब्द फेंकना, फेंकना मतलब छोड़ना, यहां से बोलना किसी के साथ, संपर्क जोड़ने का प्रयास करना। और वैसे ही बिना फोन के कितना बोल सकता था, लेकिन फोन के जरिए कितना बोलता है। और हम कहते हैं हमने मर्यादा कर ली है 100 किलोमीटर की, और कितनी दूर दूर बात करते हैं। अरे साहब अभी जाने की कहां आवश्यकता पड़ती है किसी को, लेकिन मोह उसका बराबर है बल्कि ज्यादा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी बीच में ऐसा आ रहा था, 10-11 साल पहले, अभी मोबाइल्स कब चालू है, लगभग 15 साल हो गए क्या इसको? तुम लोग कैसे बता पाएंगे? 15 साल हुए होंगे, ज्यादा हुए, 15-20 के दरमियान ले लो। बस करो, देखो उसमें यह है कि पहले किसी के घर कोई मर जाता था, मोबाइल की भी क्यों, फिर उससे पहले फोन तो चलते ही थे, फोन तो ऐसे ही चलते थे पहले, तो फोन चलते होंगे और 25-30 साल पहले ले सकते, 30-40 साल पहले, और क्या हो सकता है। और उससे पहले देखो ये समाचार, जन्मने मरने के पूरे समाचार लिखित रूप में जाते थे, और वहां पर 1 महीने के बाद पहुंचती थी चिट्ठी कि मर गए। अब उसको 13वीं-14वीं तो सब निपटी गई, उसको तो जाना ना आना, नसों तक पालना, तो उनको उतना दर्द पीड़ा होती नहीं थी। तो हो गया, महीना हो गया उसको, अब क्या हो सकता है, तो एक सहजता बनी रहती थी। और अभी फटाफट ये ख्याल में आ गए कि वो ये इतना बुखार है, सो तुरंत दूसरे घंटे में फोन करेगा, अभी कितना डिग्री चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, अब क्या चल रहा है, बराबर वो उसमें रहता है और बराबर आकुलित होता रहता है। और फिर एक नौजवान मिलिट्री फोर्स का, उसको एक ऐसा न्यूज आई फोन पर कि घर का अमुक मर गया है, पत्नी हो कि संभवत है, उसको शौक हुआ, वो जगह पर ही मर गया। तो वहां पर वो ये लिख कर आया था उसमें कि देखो आजकल के नौजवान ये इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब बात तो मोह की है, बात जवान की क्या है उसमें। तो और फिर वहां पर तो घटित ये कर रहे थे, आज का जो कनेक्शन बन रहा है एक दूसरों से, वो जो अभी इसमें सोच विचार की कोई बात ही नहीं, पहले चिट्ठी आती थी तो 1-2 दिन तो विचार करता था लिखने के लिए, और तो कुछ नहीं, सही लिखते समय में भी काफी 1-1.5 घंटा लगता ही है, तो उसमें थोड़ा सा विचार बनता था। अब वहां से कुछ बोला, धड़ाड़ यहां से कुछ बोला, मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं भी कुछ कम नहीं हूं। महिलाओं को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, झांसी की रानी को नहीं मत बोलो, खेल खत्म है। अब बराबर दोनों तरफ से चल रहा है। अभी चिट्ठियों में ऐसा संभव नहीं है, कभी चिट्ठियों में ऐसा संभव है क्या? चिट्ठियों में बहुत सोच समझने का अवसर रहता है और ढीला होता रहता है, उसकी सब अपेक्षा अपने को फिर शांति से पहले पढ़ लेते हैं। अभी कोई ये कहे मेरी बात शांति से सुन लो साहब आप, फिर आप बोलना, आपकी दम है क्या शांति से रहने की 1/2 घंटा? अब बीच में पक पक किए बिना थोड़ी रहोगे, लेकिन साहब, लेकिन परंतु, अरे हमने बोल दिया ना तुम 1/2 घंटा रुक जाओ, नहीं रुक सकता। और चिट्ठी दो लंबी चौड़ी 2 घंटा, वो पड़ेगा ही ना पेशेंस से वो, और देन ही विल कम टू पर्टिकुलर कंक्लूजन। फिर वो गुस्सा करे ना करे, फिर वो चिट्ठी लिखने बैठेगा, वो तो उसमें 1-2 दिन चला जाएगा, फिर सोचने का अवसर रहेगा, पोस्ट में डालने तक तो उसको सोचने का अवसर है कि फिर से फाड़ भी सकता है, कुछ भी सकता है, लेकिन दिया गया वचन अब उसको कैसे फाड़ेगा, कोई सोचने का अवसर नहीं। यहां पर गलती गई, फिर 2 टुकड़े हो गए, रिश्ते नाते सब खत्म हो गए। ठीक है, इसलिए है ना, ये 2-2 इंद्रिया एक एक काम करते हैं, लेकिन ये 1 जीवा 2 काम करती है, 2 आंखें 2 कान एक एक काम करते हैं, 2 नाक 1 काम करते हैं, लेकिन ये 1 जिह्वा ये 1-2 काम करती, और दोनों बहुत तड़पाती है, एक रसना इंद्रिय के पीछे और एक बोल बोल के, और पिटता है, फिर बोलती है जिभ, पिटती है 32 करे एक बहुत, जिभ थोड़ी पिटती है कभी। चलो कहां तक आए?
शब्द अनुपात आगे रूप अनुपात में क्या लेंगे? इशारा, बोला नहीं इशारा बस कर दिया। अब ऊ की भी छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि फिर वो शब्द अनुपात में चला जाएगा। इशारा किया बस, मर्यादा का उल्लंघन हो गया उसके। तो मर्यादा के अंदर तो बोल भी सकता है, इशारा करने का तो मना ही नहीं है, लेकिन मर्यादा के बाहर वो इशारा करे और सोचे हमारी मर्यादा पल रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आगे अंतिम पुद्गल क्षेपा, पुद्गल क्षेपा में क्या लेंगे? हाँ, कंकड़ आदि फेंक कर सावधान करके फिर कुछ मैं ये फेंकूंगा तो फिर तुम समझ लेना ऐसा हुआ। ये पुद्गल क्षेपा किया, कुछ संकेत कर दिया मर्यादा के बियॉन्ड बाउंड्री, तो नहीं चलेगा, ये अतिचार में आ जाएगा। ये सब इतने प्रकार के अतिचार हो सकते हैं। ये तो संपर्क घटाने की मुख्यता है, मोह घटाने की मुख्यता है। पद न बोलने और शरीर से न करने ऐसी यहां तक ही सीमित नहीं है बात कोई, ठीक है। और फिर उसमें विचार के स्तर पर भी लगा लेना, विचार भी यदि उड़ जाए विदेश में, काश आज हम यहां होते वहां होते, तो ये भी अतिचार हो जाएगा, क्योंकि मर्यादा कर रखे ना, उसके आगे विचार भी नहीं करना चाहिए तुम्हें, ठीक है। ना रहेगा बास न बजेगी बांसुरी, जो चरणनियों की शैली है वो यहां पर लागू होती है। ना जाएगा वहां पर तो ना वहां संबंधी कोई विकल्प होंगे, जहां जहां पर नहीं जाएगा पांच पाप संबंधी विकल्प ही नहीं होंगे वहां पर। जब जाना ही नहीं जिस गांव को, उस गांव की पूछताछ क्यों। चलो आगे बढ़ते, ये 30वां सूत्र 31वां सूत्र हमारा पूर्ण हुआ, 32वें सूत्र की तरफ बढ़ते। ये 32वां सूत्र किसका है? अनर्थ दंड, अनर्थ दंड त्याग के पांच अतिचारों की चर्चा चलेगी। इसमें अनर्थ दंड शिक्षा व्रत में लिया ना, चतुर्थ गुण व्रत। रत्नकरण साहब का अक्षर में अनर्थ दंड का कहां पर छंद, किस ज्ञान में है ये, कहां पर मिलेगा? 70-72 के करीबन मिलना चाहिए, 70-72। हाँ, पचहत्तर पर है इसके अतिचार, इसके देख लेते हैं अतिचार। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो अभी तक के दो अतिचार देखे ना हमने, दिग्व्रत और देशव्रत, इसमें संबंधभद्र स्वामी की भी दृष्टि में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो ऐसे ही रहेंगे। अनर्थ दंड का थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, उसके दोनों की चर्चा हम करते हैं। यहां पर क्या कर रहे हैं ये पांच अतिचार? कंदर्प, कौतकुच्य दो, मौखर्य तीन। अच्छा, बहुत अच्छा सूत्र है ये। असमीक्षा, असमीक्षाधिकरण चार, और उपभोग परिभोग अनर्थक ज्ञान, ये पांच अतिचार हो गए। देखो क्या कहते हैं यहां पर। कंदर्प का अर्थ ये करते हैं हास्य से मिश्रित वचन बोलना। कंदर्प अतिचार पड़ गए किसका? अनर्थ दंड। बिना मतलब के क्यों हंस रहे हो तुम? अनर्थ दंड हो गया। देखो हम फालतू में हंस रहे हैं, हंसते हंसते हुए बोल रहे हैं, आचार्य देव कह रहे अनर्थ दंड हो गया। और भी हंस से कहां पर देखा था हमने? अब हंसते हंसते बोलोगे तो और एक तकलीफ खड़ी हो सकती है, बोलो असत्य। वेरी नाइस। सत्य व्रत की पांच भावनाओं में हंस्य प्रत्याख्यान ने लिया था,
तो यहां पर भी समझ लेना, ये अनर्थ दंड का भी अतिचार के रूप में ले रहे, यूजलेस है ये, बिना प्रयोजन का क्यों फालतू में, इससे उपलब्धि क्या होगी, एक कंदर। फिर कोत कुछ में ये ले रहे हैं कि उसके साथ ही साथ कुछ भंड वचन भी बोलना और काय की भी कुछ ऐसी चेष्टा करना, निंद्य, कंदर प्लस काय की चेष्टा, शरीर को कुछ एक्शन आदि, तो ये जाएगा कोत कुछ में, तो ये अनर्थ दंड हो गया। शरीर की अनावश्यक हलन चलन करना, ये कोत कुछ में चला जाएगा। तीसरा मौखर्य, मौखर्य मतलब इसमें भी मौखर्य है ना, अधिक प्रलाप, बकवास। मौखर्य मतलब तो बोलना होता है, इसको भी अनर्थ दंड में ले लिया, ज्यादा बोलना। मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको याद होगा, पन्नालाल जी साहित्याचार्य हुए, जानते हैं ना आप लोग, ये सागर के थे। इन्होंने धर्म का पेपर था, इनकी एक रीति नीति थी कि धर्म के पेपर में जैसे पूछा आपको, आप आंसर इन ब्रीफ, आंसर इन शॉर्ट, शॉर्ट मतलब आप तीन लाइन में उत्तर दोगे, तीन सेंटेंसेस, आपने चौथी सेंटेंस लगा दी तो एक रिमार्क करके भेज देते थे बैक, अनर्थ दंड। क्यों? ये धर्म का पेपर है ना, लिखो ना खूब, आपको कितना पूछा है लिखने, कितना हमने सोच समझकर आपको तीन सेंटेंस कहा है, हमें आपकी पटुता भी देखने कि इसमें आप डाल सकते हैं क्या तीनों, और एक्स्ट्रा समय गया, अनावश्यक है ना तीन पॉइंट्स। हमने कहा महावीर की तीन शिक्षाएं लिखो, और तुम बराबर तुम दिव्य ध्वनि चालू कर दी तुमने, ऐसे चलेगा क्या काम? जितना कहा है उतना ही करना, समय बर्बाद नहीं करना, पेपर स्टेशनरी वेस्ट नहीं करना, स्याही वेस्ट नहीं करना, जितना कहा है उतना ही। और बोलचाल में तो बराबर हम रियलाइज करते हैं इसको, जितना कहा है उतना ही बोलना। मैंने आपको कहा होगा, यहां पर तुम मुझे देखने का प्रश्न नहीं आया है, वैसे बस स्टैंड्स होते हैं ना, बस स्टैंड्स, स्टैंड्स होते हैं ना उसके, यहां पर तो इतने बड़े स्तर पर देखे भी नहीं वैसे मैंने, अब कितने एकड़ों में होते हैं, बड़े बड़े शहरों में तो पूना वगैरह में हमने देखा, और एक साथ आपको कम से कम दिख सकते हैं 200 बसेस लगे, ये यहां पर जाएगी यहां पर, ऐसे बड़े। अब वहां पर जो पूरा उनका ऑफिस है और पूरे कर्मचारी है, उसके ऊपर एक लिखी रहती है नोट सब जगह, आपको जो भी कुछ कहना है अति संक्षिप्त शैली में कहिए। किसी किसी को आदत होती है ना, सब वो गाड़ी आने वाली है ना, मुद्दे की बात करो, वो गाड़ी आई है क्या, इतना पूछो। अब ज्यादा टाइम किसके पास है, किस किस को देंगे, तो जितना पूछा है, जितना थोड़े, जितना चाहिए उतना ही पूछना। मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा, अनर्थ दंड नहीं करना, बोलने की वैल्यू समझ में आनी चाहिए हमको। अब अभी चलता है कि नहीं क्या मालूम, लेटर में क्या कहते हैं उसको, एक पर्टिकुलर, पहले ऐसे चलता था, नहीं नहीं उसमें ऐसा चलता था पहले, उसको क्या कहते थे, मैं वर्ड भूल गया, एक तो नॉर्मल लेटर्स रहते थे, टेलीग्राम, राइट टेलीग्राम, तो उसमें यह होता था कि फटाफट ये पहुंचना चाहिए, और उसमें यह होता था अब जितने वर्ड्स ऐड करेंगे उतना पैसा आपको देना पड़ेगा। क्या क्या बोलूं मैं, पहले इसमें भी था क्या ऐसा, फोन वोन में, अब जितने वर्ड्स लगेंगे, ऐसा नहीं था इसमें, टेलीग्राम में तो ऐसा था, सुनो टेलीग्राम में यह था, इतने वर्ड्स तक इतना पैसा, इतना पैसा बढ़ाएंगे, इतना वर्ड्स बढ़ाएंगे इतना पैसा बढ़ेगा, वहां पर वैल्यू ख्याल में आती है कि हमको, और फिर आदत लग जाती है हमको, सीमित बात करते हुए पूरी विषय वस्तु कैसे दे सकते हैं, यह भी एक कला है। ज्यादा बोलने की आदत अच्छी नहीं है, ये क्या है, मौखर्य, अतिचार, ज्यादा बकवास नहीं करेगा, बकवास यूजलेस तो बात करेगा ही नहीं, और यूजफुल भी जितना है वो अनावश्यक और अपात्र जीवों से नहीं, और चर्चा थी गई,
बस समझ में आता है क्या कहा, क्या कहा मैंने बोलो। गुरुदेव के जीवन में तो बहुत होता था ऐसा, अभी किसी से चर्चा हुई नहीं मानी उन्होंने गुरुदेव की, लड़ झगड़ के चला गया। अब साहब वो फिर आए हैं सेठ मुंबई के, फिर बात करना चाहते हैं, चर्चा थी कि चर्चा हो गई हमारी तरफ से, अरे मुंबई से आए फिर से नहीं, उनको बोला हम चर्चा नहीं करेंगे फिर से, वो जो हुआ वही है हमारा, उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता नहीं। और फिर प्रवचन में आए, फिर वहां से विषय को क्लियर करें, चर्चा नहीं, फेस टू फेस कुछ नहीं करेंगे, फिर उससे फिर हम कुछ बोलेंगे, वो कुछ विसंवाद के बराबर अवसर बने रहेंगे, समझ में। तो वो चर्चा कहते हैं लेकिन चर्चा नहीं करते, वो विवाद हो जाता है, और जिसको थोड़ी सी चर्चा करनी है आ जाना प्रवचन में। और सब हम चर्चा की बात करें फिर ये क्या है, ये ठंडे दिमाग से तुम हमारे मंतव्य को समझ सकते हैं ना, और जिसको तुम चर्चा कहते हो वो चर्चा थोड़ी रहती है, वो तो विवाद का रूप ले लेती है। और फिर साधर्मी से भी विधर्मी से भी विवाद नहीं करेंगे हम, मौखर्य, समझ में। तो किसी को होती है ना ब्ला ब्ला ब्ला, निरंतर मुंह चलता रहता है उनका, फिर बुरा नहीं बुरा लगेगा वैसे बताऊंगा तो। कुछ बच्चे ऐसे होते फिर लैट्रिन में भी जाते, फिर वह कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, मौखर्य, आप समझ रहे। तो कम बोलने की आदत हमको होना चाहिए, गुनगुनाने की आदत तो ऐसे। और बाथरूम सिंगर्स तो लगभग सब होते हैं, बाथरूम में पहला मग्गा डाला तो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ए दरवाजा खोल, क्या बोल रहा था तू, तू चुपचाप नहाना चाहिए, कहां से लाया तू, चुपचाप नहाना तू, ठीक है साहब, नहीं तो मैं तो मुझे बोल रहा था, मुझे बोल रहा था तो मन ही मन में बोलो, जब ये नहाने जाता है कि जाने कैसे, ठीक है। बाथरूम सिंगर्स कहते हैं आप जानते हैं, मौखर्य, हम जितना अवॉइड कर सकते हैं बात करने का उतना अवॉइड करें, यह भी एक अनर्थ दंड है, ठीक है। एक्टिविटीज तो बहुत सारी ली जा सकती हैं अनर्थ दंड में, अंतिम नहीं तीन हो गए, कंदर्प, कौतुकुच्य, मौखर्य, असमीक्षाधिकरण। असमीक्षाधिकरण में ये कह रहे हैं, असमीक्षा मतलब बिना देखे हुए, असमीक्षाधिकरण में वैसे तीन भेद किए हैं इन्होंने, मन वचन काय, फिर कुछ भी विचार करते रहना, यदि मोदी की सरकार गिर गई तो तेरे बाप का क्या बिगड़ रहा है, और वो आए तो भी तुझे क्या मिल रहा है, बहुत जन होते फिजूल की विकथाओं को अनर्थ दंड में डाल दिया आचार्यों ने। असमीक्षा अधिकरण के तीन भेद किए, मन वचन काय। किसी किसी को आदत होती है ना, काय के रूप में ऐसे ले सकते, देखो कुछ नहीं बस ऐसा करते रहना, बाल आगे के पीछे करते रहना, और फिर थोड़ी देर बाद फिर ऐसा ही करते हैं, फिर ऐसा करते हैं, फिर ऐसा करते हैं, बहुत जनों का आदत होती है ऐसे। और कुछ कुछ तो पर्पजली काटते हैं वैसे, और फिर कुछ नहीं बस ऐसा करते रहते हैं, झटका देते रहते हैं। क्या पागलपन है, एक तो रखते भी है और फिर वो तो लटकेगा ना भैया, तो हम करते रहेंगे ना उसका एक्सरसाइज, करते रहते हैं। वो खराब लगेगा आपको बहुत, अभी वैसे मेरा मंतव्य खराब का नहीं है बिल्कुल, आप समझोगे तो मैं बोलू क्या, आप समझदार हो, इसे खराब आशय नहीं लेना, लेकिन अपनी बहनें भी घर में होगी, माता बहनें भी है, हम किस प्रकार प्रॉपर अप्रोच कर सकते हैं ये समझना। क्या करती है देखो आजकल की, क्या करते हैं, कपड़े तो एकदम चुस्त पहनते हैं, चुस्त की भी अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, मैं तो ये कह रहा हूं ऊपर का शर्ट पहनते हैं, ये बड़ा इतनी नौटंकी लगती है ये शर्ट, इतना सा पहनते हैं लड़कियां, लड़कियों की तरफ, लड़कों की भी ये दशा है, नीचे झुकते हैं तो बाबा रे कोई सुनो ए सुनो सुनो अरे रे 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 इतनी तकलीफ होती है। अच्छा उसको पता नहीं ना, पीछे घर रहते उसको पता है। सुनो सुनो ए एक दिन की मैं बात कह रहा हूं, नहीं ये केवल हमारे जीवन में कैसे सुधार हो इसका, इसके लिए है, इसको मजाक के स्तर पर नहीं लेना बिल्कुल, आप समझ रहे। चिन्मय कहाँ गया, चिन्मय थोड़ा ध्यान दो भाई, तुम रहते हो तो तुम्हारा थोड़ा वजन बना रहता है।
देखो एक दिन मैं यहाँ पर आया, क्लास होनी थी, दोपहर की बात है, तो मैं तो एज यूजुअल 10 मिनट पहले आ जाता हूँ, यहाँ पर बाहर खड़ा रहता हूँ। तो मैं आया तो फिर यंगस्टर्स ही थे, वैसे मैरिड थे, मैरिड होंगे अनुमान है। अब मैरिड के तो क्या लड़की का ये चिन्ह है कुछ गले में हो, अभी आजकल वो भी समझ में नहीं आता ये चेन है कि मंगलसूत्र क्या है, चीज है ये, और होगा तो अंदर कहीं फंसा होगा तो ऊपर से भी नहीं दिखता वो कुछ, वैसे वो दिखना चाहिए था। क्या क्या बोल रहे हो, समझ में आता है सबको? वो जरूरी था ये दिखाने के लिए, अरे लोग तुम्हारी तरफ खराब निगाह से देख रहे ना, ये कौन लड़का और कौन लड़की है। एक बार ख्याल में ये मैरिड है दोनों, किसी की भी खराब दृष्टि होती है क्या? जो भी हो वो होंगे कोई भी, तो हुआ क्या, तो फिर मैं खड़ा ही था वहां पर, तो वे यहाँ पर टंकी रखी है, तो उन्होंने मुझे पूछा ये पानी पीने का है क्या। और मेरी एक मैं आदत भी आपको बता देता हूँ जीवन भर की प्रॉपर, मेरी पहले से इतने साल है, जब जब भी 8 साल वहां पर भी गए 2 साल, मुझे जब भी कोई पूछता है साहब ये पानी पीने का है, आई नेवर एंसर, पीने का है क्या बाहर का पानी, पीने का है बाहर का पानी, नहीं पैर धोने का है, काई का है वो पानी, पैर धोने का यही पानी है क्या साहब, पैर धोने का यही पानी है क्या? और बहुत हो तो इतना बोल सकते हैं, हाँ लोग इसी से पैर धोते हैं, ठीक से बोले ना, हाँ तो अनचना है ना, हम काई के लिए हाँ बोल के फंस जाए, ये कोई पीने लायक पानी है क्या, ये कोई पैर धोने लायक है, आप समझ रहे सब ये वस्तु का स्वरूप है, आपको बहुत अटपटी लग रही क्या बात साहब, ये पानी पी सकते ना, कूलर का कोई पूछे पी सकते हैं क्या? देखो हम तो ये कह रहे छन्ना लोहर छान कर पियो, नहीं नहीं साहब ये पी सकते क्या? अरे हम क्या कह रहे तुम्हें समझ में नहीं आ रही क्या? हम हाँ बोल के हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, अटपटी कितने जन को लग रही वैसे, और अटपटी लग रही होगी तो सुधार कर लेना, इतनी तकलीफें हमारे जीवन शैली इतनी उलट गई है हमको, ऐसा यही अटपटी लगती है बात। कहां तक आया, अब वो पानी पीने लग गया, कौन वो लड़का था, वो पानी पीने लग गया, तो लड़का झुका पानी पीने के लिए, तो मेरी बस दृष्टि गई, मेरी तो ताकत नहीं थी ज्यादा देर तक देखने कैसे कितना नॉनसेंस लगता है, सुनो अब हुआ क्या, सुनो तो मजा, वो लड़की थी उसने मेरी तरफ देखा कि मैं उनकी तरफ देख रहा। अब उसने क्या किया, वो जितनी देर तक पानी पी रहा था वो बराबर उसका टी शर्ट लेके एकदम पीछे तान कर वो बराबर खड़ी किया। अब ये नहीं समझ रहे वो ये ऐसे क्या करे, ए छोड़ सुनो मैंने तो 1 मिनट में मेरा विकल्प पूरा हो गया, मैं अरे अपन काई के लिए देखते हो, मैं तो 1 सेकंड में दूसरी तरफ देखने लग गया कि देखो उनको भी इजीनेस फील होना चाहिए, फिर मैं वहां पर देखो उनका ऐसा, फिर मैं मुझे कहने की ये बात है, देखो कैसे विरोध है इसमें, कपड़े भी अभी लड़कियां भी जो पहनती है ना ऐसे, उनको देख लेना हर 5 सेकंड में उनका हाथ जाता टी शर्ट की तरफ ऐसा ऐसा करते रहते, फिर अभी हाथ नीचे लिया फिर 5 सेकंड बाद फिर ऐसा, जैसे बहुत सिलवती हो, ये पहना है पहले छोटा और फिर निरंतर वहां पर विकल्प चलता रहता निरंतर, क्या सेंस से मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैंने इसलिए कहा पहले कहते समय, मैंने कहा हम हमारे लिए भी समझे ये बात, और हमारी बहनें भी है घर में, और इस विशिष्ट मुद्रा में बैठते हैं करते कैसे संभाल सकेंगे वे भाई, और यहां पर विनय करनी है, ढोक देनी है, बस की नहीं है उनके ढोक देने में, और फिर ढोक देने में विकल्प भगवान का नहीं ज्यादा, फिर पीछे से कोई गुजर जाए तो फिर पहना काय के लिए तुमने, मतलब कितनी नौटंकी है, हमको घर पे भी बोलना चाहिए ऐसा, ये चुस्त कपड़े एक तो पहनना ही नहीं चाहिए, और ये क्या है ये सब कुछ समझ में नहीं आता, इतना गरीब थोड़ी है भारत अपना, आधे आधे कपड़े तुम पहनने लग जाओ चलो ठीक है, कहां तक आए वैसे, असमीक्षा अधिकरण, असमीक्षा अधिकरण की चर्चा ये है, मन वचन काय के स्तर पर लेना है आपको।
तो बिना मतलब का बोलना मौखर्य में तो चला ही गया, वचन तो उसमें चला जाएगा, मन के स्तर पर फालतू फिजूल का चिंतन करना कुछ भी जिसका कोई बिना सिर पैर की बात, और काय के रूप में भी अनावश्यक कुछ ऐसा ये लगा सकते हैं अपन। ठीक है, अपने में भी कोई ऐसी होती है, किसी को ऐसी आदत है, मैंने कहा भी था आपको किसी को बोलने की आदत है, उसे एक लाइन बोलेगा वो थूकेगा बीच में, अरे तुम जानते थू अरे भैया तुम थूक लो पहले जाके सुनो ये हमें तो होना नहीं ऐसा। देखो किसी किसी में क्या क्या बातें हो सकती है, अपन कुछ नहीं कह सकते। बहुत अच्छे रेप्यूटेड डॉक्टर प्रवचन में आते थे, वो पूरे एक घंटे का प्रवचन कैसे सुनते थे मैं थोड़ा बताऊं आपको सच्ची बात कह रहा हूं मैं पूरा और बहुत जोर से बराबर ऐसा चलता रहता था उनका, और इतना अनिजी उनको, फिर उनको जो भी देखेगा इतना अनिजी होगा उसको, वो तो पीछे बैठे तो ही ठीक है, रिपीटेड डॉक्टर ऐसा ठोकता रहता है बस अपना। अभी आज उसकी आदत सुधर गई है कि नहीं क्या मालूम लेकिन ये अनर्थ दंड में आ जाएगा सब, बैठे बैठे वैसे आप ये क्या कैसे दरिया आदि से लगे छेड़छाड़ करने, बहुत जनों का आदत रहता क्या कर रहे भैया तू, अब उनको ये भी ख्याल में नहीं मैं क्या कर रहा हूं नीचे। किसी किसी को लिया पेन और एक चौकी सुरक्षित नहीं रखते ये लोग, और जहां पर भी है लिख दे अपना नाम संदेश, जैसे हो गया कोई पीएम कहीं का सिग्नेचर, अब फिर जहां तक देख सकते हैं आप इसको। मैं सोचता हूँ ये व्हाइट है ना, ये स्पॉइल होता है ना फिर से, और कई दफे चलो ठीक है तो ये सब अनर्थ दंड में चला जाएगा। मैं अभी और एक बात कहूंगा फिर बस करेंगे। देखो ये आपको कितनी रुचि है, आप गुरुदेव वगैरह की बनाते हो सीडी ये नोट्स वगैरह, ये फालतू मस्का बहुत लगाते आप लोग, गुरुदेव को लगाते कि गुरुदेव के नाम पर, अध्यापक को लगाते क्या मालूम, लेकिन इतना पेंटिंग करते हो उसको आप लोग, कोई सेंसलेस कैसे बन रहे पेंट क्या बन रहे, और फिर हर जगह नीचे तो होगा प्रमाण वचन 15 मिनट खर्च करता है बहुमूल्य अपने जीवन का उसमें, और कितनी स्टेशनरी वेस्ट जा रही है, ये पेंसिल जा रही है, जो भी पेन जा रहा होगा, मतलब जितना आवश्यक है उतना प्रयोग करे, लेकिन ये फालतू पेंटिंग वेंटिंग सुनो, नीटनेस उसे कहते हैं, जैसे कोई प्रकरण पूरा हुआ अंडरलाइन किया, फिर एक प्रकरण पूरा होगा उसको लाइन खींच ली, बड़ा प्रकरण पूरा हुआ डबल अंडरलाइन, ये तो मैं समझता हूं जानता हूं, लेकिन जैसे अभी सेकंड पॉइंट लिख रहे टू, तो टू नहीं लिखेगा, फिर उसके बाहर गोला करेगा और फिर ऐसी टेढ़ी 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 एकदम खींच ले जाएगा दूसरे पन्ने की तरफ गया दूसरे पेज में उड़ गया जैसे कोई पतंग चला ये सब अनर्थ दंड में आ जाएगा। ये देखो हमको आदतें लगती है, अभी भी किसी को उठाओ ना बहुत खतरा हो जाएगा। मैंने तो स्पष्ट बोल रखा था मेरे नोट्स में ऐसा नोटिंग की दिखी, मैं मार्क्स कट करूंगा आपके, और मैं तो कल भी बोला। अब फिर जैसे मेरी क्लास चलनी है तत्वार सूत्र, ये क्या है तत्वार सूत्र, आदरणीय पंडित श्री, फिर किसी किसी के बहुत उमड़ा खाए तो श्रीमान सचिन जी, फिर जिनको किसके ख्याल में आए महाराष्ट्र, तो भैया मेरा फोटो भी दूं क्या तुमको तो मैंने सुनो क्या मतलब है इसका, नहीं क्या कोई सेंस नहीं ना इसका, आप इतना लिखो तत्वार सूत्र, और फिर इससे एक बात ख्याल में आई, आपकी नोटबुक सेटेड नहीं है ना, लेकिन ये क्यों रोज लिखना पड़ता है तत्वार सूत्र, फिर दूसरा पेज पलटो छेड़ आना, तीसरा पेज पलटो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, तो कभी ये लिखते कभी ये, एक नोटबुक रखना और तत्वार सूत्र एक बार लिखकर छोड़ दो नोटबुक में, फिर रोज रोज क्यों लिखते हो तत्वार सूत्र, क्या रोज रोज क्या क्या होना है, सूत्र नंबर ऊपर लिखना और बाकी चलना, और विद्वान की भी क्या लिखने, विद्वान थोड़ी बदल रहा है, विद्वान नहीं बदल रहे, ग्रंथ नहीं बदल रहे, ग्रंथकार नहीं बदल रहे, या अनर्थ दंड नहीं करना। मैंने तो कितना अभी देखो ये बोर्ड पर भी रोजाना गोमट सार कर्मकांड
फालतू पेंटिंग में, अभी उसको पूछो कौन सी गाते चल रही, वो थोड़ी बोल सकेगा क्या चल रहा है पढ़ा रहे। तो थोड़ा हम अवॉइड करें इसको। ये तो ठीक है, समझ लो बोर्ड है, दूर से तो दिखता नहीं है, तो सीडी कर दिया। चलो अब बहुत सारे हैंड राइटिंग्स आने लगे, क्या कैलीग्राफी क्या कहते उसको, क्या करते रहते उसको, बहुत टाइम लगता है उसको करने में। सामान्य ए भी लिखना है तो उसमें बहुत करना पड़ता है, आपत्ति है सब। तो ये अनर्थ दंड में असमीक्षा अधिकरण की बात हुई। एक पॉइंट बचा, कौन सा? भोग उपभोग अनर्थक ज्ञान, इसकी चर्चा कल करेंगे। ओम नमः।